आज हम बनाएंगे सोयाबीन के कबाब। ये मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। एक पैन में हमने पानी गर्म करने रख दिया था, अब हम उसमें अपने सोया चंक्स डाल देंगे। इसे हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है, फिर हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारे सोया चंक्स को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और आधे घंटे तक इसी पानी में हम इसे रहने देंगे। हमारे सोया चंक्स को पानी में भीगे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको निचोड़ लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहा तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें अच्छे से इसे निचोड़ना है। हम इस तरह से निचोड़ निचोड़ के रखते जाएंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हमने एक प्याज मीडियम साइज की और 5 लहसुन की कलियां और 3 टुकड़े अदरक के और 5 हरी मिर्च, इन सबको डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। हमें पानी नहीं डालना है, प्याज के पानी में ही ये पिस जाएगा। हमने जो मसाला मिक्सर में डाला था वो इस तरह से पिस गया है, अब हम इसी में अपने सोया चंक्स भी डालकर पीस लेंगे। हमने इस तरह से इसे पीस लिया है, हम बाकी भी इसी तरह से पीस लेंगे। अब हमने अपने सारे सोया चंक्स पीस लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून नमक, यह अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, इसे मैंने रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून देसी घी। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने ये सब अच्छे से मिला लिया है, अब हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे और ये थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे और ये लकड़ी में इस तरह से हम लगाएंगे ऐसे, और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। ये इस तरह से हम सारे बना लेंगे। मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ, पहले हम थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे, फिर हम थोड़ा सा ही पोषण लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको ऐसे हम गोल करेंगे
और इसमें अपनी इस तरह से हम सीख डाल देंगे। उसके बाद में हम इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अगर आप से इस तरह से नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस तरह से करके और इस तरह से भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने ये कबाब रख देंगे। अब 1 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो पर ही रखा है ताकि हमारे कबाब अंदर तक पक जाएं। अब हमारे कबाब को 1 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम अपने कबाब इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप से कांडी के अंदर नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना लें। अब हमारे ये कबाब अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे कबाबों को 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से पक गए, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे सोयाबीन के कबाब बनकर तैयार हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।